दमोह के पतरिया से बसपा विधायक रामबाई ने एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वर्ग का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बसपा विधायक रामबाई से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा विधायक रामबाई। मैम, आपका बयान आया था कि सभी पार्टियां दलित वर्ग का शोषण करती हैं, सिर्फ वोट बैंक का उनका इस्तेमाल करती हैं, क्या है इस मामले में? बिल्कुल, मैंने जो बोला था सही बोला था। सभी जितनी भी बीएसपी पार्टी में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों ही पार्टियां शोषण ही करती हैं। यहाँ किसने दलित वर्ग का सपोर्ट किया है? आज भी आप जाके देखिए क्या स्थिति है ग्रामीणों में। हमारे बाबा साहब ने अधिकार तो दिया है चुनाव लड़ने का दलितों के लिए, पर किसी भी गांव में आप जाके देखिए, अगर कोई सरपंच है तो वो सरपंच ही नहीं चला पाता बड़े लोगों के लिए होते हुए। तो स्थिति आज है ऐसी। जो हमारे जैसे सीएम कमलनाथ जी दलितों के लिए एक सम्मेलन रखे, कार्यक्रम रखे हुए हैं सागर में, तो मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। एक वो मध्य प्रदेश के अंदर एक वो हटके व्यक्ति हैं जो समस्त वर्ग के लोगों को लेके चलते हैं। बाकी की सब ने शोषण ही किया है, किसी ने कभी मतलब दलितों के लिए सम्मान नहीं दिया, सिर्फ समय पे वोटों की राजनीति की है और आज भी वही हो रहा है। पर मेरे दलित वर्ग जो हैं, भाई हैं, मैं उनकी उनके लिए लड़ती रही हूँ और लड़ती रहूंगी आगे, उनके सम्मान के प्रति, उनके अधिकार के प्रति। वो इनके किसी भी चाल में नहीं फंसेंगे, वो क्या सही है वो वही करेंगे। सरकार आरक्षण दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बाद भी दलित वर्ग आज भी जिस स्थिति में पहुंचना चाहिए उसके पास बाद भी विकास नहीं हो पा रहा, उसका दोषी किसको मानती हैं आप? सरकार को मानती हैं या खुद उस वर्ग को? कहीं ना कहीं वो खुद दबा कुचला है, क्या कारण लगता है? देखिए, दोनों ही तरफ की गलती है। कुछ तो सरकार की रही हैं गलतियां और कुछ दलित वर्ग की खुद की गलती है कि जो इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए भी आज भी पिछड़े हुए हैं। तो दोनों ही तरफ की गलतियां हैं। और गांव में आज भी बहुत, मैंने जैसे बोला कि बड़े लोगों से आज भी दहशत में रहती है छोटी समाज, तो ऐसा है। अभी जैसे मेरे पथरिया विधानसभा में आप जाके देखो, जिस दिन से मैं विधायक बनी हूँ हमारे दलित वर्ग के लिए कोई टेंशन नहीं है। कोई भी जो सरपंच है, जिस दिन से मैं विधायक बनी हूँ वो सेल्फ में चला रहा है, मैंने खुद उसे जाके समझाया है। तो कुछ अधिकार, कुछ हद तक दलित वर्ग खुद दोषी है और कुछ सरकार। अभी आपने शोषण की बात कही, बसपा सुप्रीमो माया जी ने बड़ी पार्टी का निर्माण किया, पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, इसके बाद भी लोग क्यों आखिर पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि दलित वर्गों के लिए उन्होंने पार्टी तैयार की, इसके बाद भी दलित वर्ग इस पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? अगर जुड़ रहा है तो टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ रहा है। ये तो ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग बीएसपी पार्टी से नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। हाँ, वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश के अंदर या जहाँ भी है, मतलब दूर प्रदेशों में विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वोट बैंक बीएसपी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मात्रा में वोट बैंक बीएसपी की है। और अब आगे चल के जितना भी, मतलब आगे जैसे ही समय आएगा तो दलित वर्ग टोटल बहन जी से जुड़ जाएगी और अभी भी जुड़ी है। नगरीय निकाय चुनाव में क्या नजर देखती हैं बसपा की, क्या स्थिति रहेगी? क्या फिर से आप लोग नए सिरे से उभरेंगे और तैयारी करेंगे चुनाव? बिल्कुल, नए सिरे से उभरेंगे और समस्त जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वो सपोर्ट भी करेंगे। और अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष, सब बिठा रहेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर दलित वर्ग कहीं भी अगर शोषित हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, वोट बैंक के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, 24 भोपाल।